लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, लीड एक नई दिल्ली 27 जून। INS। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह हल्की बारिश के बाद तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां का न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 3.4 मिलीमीटर की पूर्व मानसूनी बारिश हुई। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 92% दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक दिन में बदली छाई रहेगी और यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 11 बजे दिल्ली का सबसे गर्म इलाका पालम रहा, जहां तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अधिकारी मुताबिक पूर्व मानसूनी स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली के तापमान में 8 डिग्री तक कमी आई। इस सप्ताह तापमान 35 डिग्री से कम रहेगा। अधिकारी ने INS से कहा, बुधवार को शहर के विभिन्न जगहों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटों में सफदरजंग का तापमान 3.4 मिलीमीटर, पालम का 0.6 मिलीमीटर, लोधी रोड का 7.7 मिलीमीटर और रिजे इलाके में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार सुबह सुधार देखने को मिला। सुबह 11 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 UI के साथ यह 97 रहा, जिसे अच्छा माना जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून से पहले की बारिश गुरुवार तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने INS से कहा कि 29 जून से 1 जुलाई के बीच किसी भी समय दिल्ली में मानसून की घोषणा हो सकती है। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो मौसम का सामान्य तापमान है।